अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जाने वाले हैं दादा सैलानी बाबा की दरगाह, जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है। चलो चलते हैं। और हम ये मार्केट है, वीडियो निकाल रहा हूँ, जो कि मार्केट में एंट्रेंस है। मार्केट के एंट्रेंस में ये एक बॉडी है जिसमें सब लोग पानी पीने का या नहाने का, अगर आप इधर आए तो यही पानी इस्तेमाल करना, ऐसे कहा जाता है। और ये है आपके गुंबद मुबारक का बाहर का नज़ारा। लोग यहाँ पर सो जाते हैं, जिसके भी आँख में असरात वगैरह होते हैं वो यहाँ पर एकदम दूर से ही आवाज़ें निकाल लेते हुए आते करके बोलते हैं यहाँ के लोगों का कहना है। और ये उर्स के वक्त का वीडियो है दोस्तों। ये उनके एक्जैक्टली कुछ लोगों ने बताया है कि ये अगर आपके आँख में अगर कुछ है तो आप इससे पार करेंगे तो शायद आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा कहना है वहाँ के लोगों का। अगर ये आप पानी में अगर आप जाएंगे इसको अगर पार करेंगे तब, ऐसा होता करके बोल रहे थे, क्योंकि वो बच्चा रहना है। मुझे ये पता नहीं चला कि इसके ऊपर जो ब्लैक कलर का जो लगा हुआ है वो क्या है। मैंने कई लोगों को पूछा पर किसी ने बोला नहीं कि वो ब्लैक कलर की जो छोटी सी गुड़िया लगी हुई है, शायद मुझे लगता है वो गुड़िया शायद किसी के अगर आँख में जिन और असरात का साया हो तो शायद उसको वहाँ पर बांध देते हैं, तो शायद उसका तोड़ होगा शायद, मुझे भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में। ये झरना है, झरने के नीचे से जाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। जिसके भी आँख में होता है शायद वो यहाँ पर आते हैं। ये चीचा शायद अपना मन्नत मांग रहे हैं पत्थर पे हाथ रख के। और ये मार्केट है बाहर की। अगर आपको चादर वगैरह अगर लेना है तो आप ये मार्केट से ले सकते हैं, चादर फूल सब कुछ यहाँ पर मिलता है। अगर आप यहाँ पर ही आगे करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके चाहने वाले बहुत हैं, बहुत हैं, हर मज़हब के आपके चाहने वाले। ये दिया से पता नहीं कि आप लेके शायद हर साल यहाँ पर ऊंट के इस पे सुंदर नहीं था। ये बाहर का नज़ारा है, बहुत चाहने वाले हैं आप। अगर आप अमास के टाइम पे आएंगे तो आपको कदम रखने की जगह मिलेगी। अब ज़्यादातर यहाँ पर अमास के टाइम ही लोग आते हैं ताकि उन पे अच्छे से अच्छे कम होने का असर हो, इसीलिए लोग ज़्यादातर अमास के टाइम पर ही आते हैं यहाँ पर। अगर आपको भी अगर कुछ मुसीबत वगैरह है तो आप भी बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं। मैं इसका लोकेशन नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप भी यहाँ से देख सकते हैं। ये और उसका नज़ारा है, आप देख सकते हैं ये पूरे बिल्कुल दुकानें वगैरह हैं, झोपड़ी, और जो लोग रहने वाले हैं सब लोग
रहेंगे यहाँ पर। और ये वो ही मैंने जो बताया था आपको पहले, इसके नीचे से जाना पड़ता है। और ये शेर, शेर का मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि शेर क्यों रखा गया है यहाँ पर। शायद उनको शेर भी सुना करते थे सैलानी, दादा सैलानी जी को, शायद वो उन्हीं की निशानी है मेरे हिसाब से। तो शायद वो शेर की निशानी इसीलिए होगी मेरे हिसाब से। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं करेक्ट कर दूँगा। ये वही है जो लोग नीचे से जा रहे हैं। तकरीबन लोग जो भी यहाँ पर नियाज वगैरह करते हैं वो लोग इसके नीचे से जाते ही जाते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देख सकते हैं वो शेर के साथ कुछ कर रही है। बहुत ही प्यारी जगह है यार, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर आएँ। ठीक है दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बड़े घराने वाले चलो मेरे।